नमस्कार, दोबारा आ रहा है हिंडनबर्ग। ये प्रोग्राम मैंने एक बार पहले भी किसी और के साथ किया, लेकिन ये हिंडनबर्ग का गेम जो है ना, जॉर्ज सोरोस से कनेक्ट होता है और पूरा डीप स्टेट से कनेक्ट होता है। दोबारा एक हमारे बहुत बड़े बिजनेस हाउस पे अटैक हो चुका है, दूसरे किसी बहुत बड़े बिजनेस हाउस पे अटैक हो सकता है। नाम तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम सामने आ रहा है कि इस पर अटैक हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी है और उससे फॉरेन पावर्स को टक्कर लेना टफ हो रहा है। एचडीएफसी का भी नाम आ रहा है कि इस पर भी हो सकता है हमला, पता नहीं किस पर है। मैं कोई हिंडनबर्ग के अंदर का आदमी नहीं हूं, लेकिन जॉर्ज सोरोस इससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जॉर्ज सोरोस पहले दिन से कोशिश कर रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी तरक्की ना कर पाए, ये वही हमला है। पूरा इंडिया इस पे टुकटकी लगाए देख रहा है कि किस पर होगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वैशाली वर्मा जी। वैशाली वर्मा जी अमेरिका में रह करके ये पूरा गेम देख चुकी हैं, और मैम बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। मैम, ये जॉर्ज सोरोस चाहते क्या है इंडिया से? सॉरी, आपने क्या जॉर्ज बोला? सोरोस इंडिया से चाहते क्या है? व्हाट डज ही वांट फ्रॉम इंडिया? जॉर्ज सोरोस वांट्स, वो चाहते हैं कि मोदी और बीजेपी हारे। राइट, मोदी और बीजेपी हारे। राइट हाँ, चार मैम, ये साल पहले चार साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप जाकर देख भी सकते हैं, अभी तक वीडियो है, मैंने कल ही देखा था यूट्यूब में, जहां वो कह रहा है कि हम $2 बिलियन दे रहे हैं हमारे ओपन सोसाइटी, एक तो ट्रंप को निकालने के लिए, और वो दो 2000 एंड बिफोर बाइडन केम इन, ही जॉर्ज सोरोस ने कहा हम वी विल मेक श्योर दैट ट्रंप डजंट कम बैक, समझ गए? तो उन्होंने उसी टाइम वो ही इंटरव्यू में कहा था कि $1 बिलियन हम देंगे मोदी गवर्नमेंट को निकालने के लिए। उनका वो चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस आए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये आप अगर यूट्यूब आप अगर कट एंड पेस्ट इधर कर दोगे तो आप देख सकोगे, वो शायद एक एक मिनट का एक वीडियो है उनका, जहां वो स्पष्ट कहता है कि ट्रंप और मोदी इनको निकालना है। अभी उनका जो प्रॉब्लम, वो जो क्रिएट उन्होंने किया था, फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये सब इसके हाथ, आम आदमी पार्टी और आप जानते हो कांग्रेस, सब इसके पीछे थे। आपको ये पता है। उसके बाद जब हम वो इलेक्शन साइकिल शुरू हुई, तो दे गेव अ लॉट ऑफ मनी इन वेरियस वेज टू द नॉन बीजेपी पार्टीज, जो इंडिया अलायंस बन कर रहा था, तो उसमें दे मैनेज टू सम एक्सटेंट के नंबर्स, मोदी के नंबर्स कम कर दे बीजेपी के नंबर्स, वो तो हुआ। मगर इंडिया इज वेरी डाइवर्स, नॉट लाइक यू नो अमेरिका एंड अदर थिंग्स, सो दे कुड नॉट रीच आउट टू एवरी स्टेट इन इंडिया। यस सर, राइट। मैम, एक बार बताइए, क्या ये जो सिचुएशन जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अडानी ग्रुप को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि शेयर्स गिरे फिर वापस गए, रिकवरी हुई। ये बांग्लादेश वाली एक्टिविटी, साथ में जॉर्ज सोरोस, साथ में मॉलडीव्स, क्या ये चारों ओर से इंडिया को घेरा जा रहा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे सब पड़ोसी, एक तो चाइना के ग्रिप में आए थे ना, जैसे श्रीलंका, हम टोटा पॉट। अभी बांग्लादेश में भी चीन चाहता था कि उनका पॉट बने। आपको पता है कि ये क्या कहते हैं, हसीना, शेख हसीना चीन गए थे, और उनको वो सोचे थे कि चीन उनको धोखा दे रहे हैं, तो वो वापस आई, और फिर वो टीस्टा रिवर प्रोजेक्ट जो था उन्होंने इंडिया को दे दिया। तो वो चाहते हैं कि चाइना चाइना और अमेरिका इकट्ठा नहीं है,
मगर दोनों चाल कर रहे हैं, आप समझ गए? राइट, तो इन बिटवीन चाइना के जो डीप चाइना का जो डीप स्टेट है या उनका जो चाल है कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने एक वो एमओयू साइन किया था राहुल गांधी से के साथ. ये कभी नहीं हुआ है कि एमओयू साइन हुआ है पार्टी टू पार्टी. यूजुअली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ना, तो पार्टी टू पार्टी क्यों हुआ? और एमओयू में क्या था आपको पता है? किसी को पता है एमओयू अभी तक सीक्रेट क्यों है? नहीं पता. अगर जी क्यों नहीं पता है, क्यों आप बीजेपी क्या कर रही है हमें क्यों नहीं पता है? वो कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? वी शुड गो टू द कोर्ट. और हमको पूछना चाहिए कि एमओयू में क्या था. मैंने इसके बारे में लिखा भी है और मेरे को कुछ ना कुछ पता लगा. एक तो एमओयू में क्या था, वो एंटनी ने कहा था, हमारे जो प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर थे, कि हमने कहा कि हम ऊपर बॉर्डर्स में कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज को अच्छा नहीं लगता है, तो ना तो हम रोड बनाएंगे, ना तो हम एयरफील्ड बनाएंगे, ना तो कुछ काम करेंगे. तो ये तो एमओयू में जरूर था. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वो ट्रेड प्रैक्टिसेस में उन्होंने हमारे जो छोटे कंपनीज थे एमएसएमईज और एसएमईज, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया. पता कैसे डिस्ट्रॉय किया यूपीए ने? एक तो उन्होंने कहा कि बैम्बू जानते हो, बांस. हाँ, उन्होंने कहा ये तो पेड़ है. तो इंडिया में बैम्बू वाज डिक्लेयर्ड अ ट्री एंड कुड नॉट बी कट. सेवरल मिलियन स्मॉल फार्मर्स एंड ऑल वेंट बैंकक्रप्ट क्योंकि वो बैम्बू काट नहीं सकते थे. वो बनाते थे, वीव करते थे बैम्बू से, वो अगरबत्ती बनाते थे, हजारों काम करते थे. ये सब बंद हो गया और अगरबत्ती चाइना से आने लगा. क्यों? Okay. तो इन दिस वे ड्यूरिंग द यूपीए आई हर्ड कि काफी लोग जो बाहर से आ रहे थे हिंदी इंडियन और उन्होंने प्लांट्स यहाँ कुछ ना कुछ शुरू किया. दूसरी चीज जो हाई एंड भी थे वो सब फेल हुए क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स वर बीइंग अलाउड टू बी डंप्ड इन इंडिया. राइट. तो मैम, ये जो डीप स्टेट है जो बोला जाता है कि ये इंडिया को, चाइना को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को, क्या है ये डीप स्टेट और ये किस लेवल पे जाकर के इंडिया को हार्म कर रहा है? देखिए, डीप स्टेट के बारे में इतना सफाई नहीं है. हम जानते हैं कि इसमें काफी बैंकर्स हैं जो पूरा दुनिया को चलाते हैं इन सम वेज. इसमें पेंटागन है, इसमें जो मेजर कंपनीज हैं जो आर्म्स बनाते हैं वो भी हैं, मगर इसका जो चाल है वो चेंज इतना होता है कि कभी पता नहीं होता. पर वन थिंग इज फॉर श्योर कि अमेरिका हैज नेवर लर्नड फ्रॉम एनी वॉर्स. कि वो जो वियतनाम में गए थे उनको भागना पड़ा, उसके बाद उन्होंने इराक को डिस्टेबलाइज किया, फिर लिबिया, फिर सीरिया, फिर अभी आप समझे कि ये सब जगह हमारे हमारे इर्द गिर्द में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल. इसमें ये हो रहा है कि चाइना भी चाहता है वो अपने साथ हो और अमेरिका भी चाहता है, एंड दे वांट टू ब्रिंग इंडिया डाउन. अभी ये दोनों एक साथ नहीं खेल रहे हैं गेम, अलग अलग. चाइना और अमेरिका अलग हैं. चाल तो वही है. ओके मैम, बांग्लादेश के डिस्टेबलाइज होने से कितना इंपैक्ट पड़ना चाहिए इंडिया के ऊपर? काफी. अभी आप देखिए, अगर वी देखिए जम्मू में क्या हो रहा है,
आज अभी जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कश्मीर में एक और आतंकवादी का वो चल रहा है. ओके, तो वेस्ट का बॉर्डर अभी थोड़ा गर्म है. बांग्लादेश का बॉर्डर इज इवन लॉन्गर, 4,100 square kilometers, आई मीन किलोमीटर्स. Now around the Bangladesh border is all our northeastern states, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालया. मैं जब मेघालया गई तो I was shocked कि वहाँ एक गाँव है, तो everybody says सबसे beautiful और cleanest town in India, cleanest village in India कहलाता है. तो जब हम वहाँ गए थे तो काफी हमने बांग्लादेशी जैसे लोग देखे जो उनके लिए काम कर रहे थे, जैसे उनको सफाई कर रहे थे ये. तो हमने बोला ये कहाँ से आए, उन्होंने सीधा बोल दिया बांग्लादेश से. सो ऐसे कैसे आए, क्यों आए? तो उन्होंने बोला आप वो यहाँ हमारे साथ एक पहाड़ है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए. सो हमारे गाइड ने वो पहाड़, हम गए थे वहाँ, पहाड़ के नीचे एक दरिया थी और वहाँ देयर वाज अ बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया बिलो द हिल, बिलो द पहाड़. मगर लोग वहाँ, एक भी आदमी नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था. एक घंटे के लिए हम ऊपर नीचे गए और देखे कि ये बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं और कोई नहीं है उनको स्टॉप करने के लिए. ये मेघालया में मैंने अपने आंख से देखा. ओके ओके सिची, ये इस पूरी सिचुएशन में क्या इंडिया को बांग्लादेश से भी खतरा है? मैम फाइनल क्वेश्चन. खतरा ये है कि उनका, वी डोंट वांट 25 मिलियन बांग्लादेशी इज कमिंग इन लाइक इट हैपेंड इन 1971 ना. ऐसे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे करोड़ों वहां से आए. हिंदू को हम सेव करने चाहते हैं, पर सबसे अच्छा होगा कि बांग्लादेश, अभी हमने देखा था ट्विटर पर कि ऊपर का जो बांग्लादेश है, जो ये हमारे सेवन सिस्टर्स के साथ है, वहाँ हमको अपना कॉलोनी बनाना होगा हिंदुओं के लिए. आई एम कन्विंस्ड कि कैसे न कैसे हमको वो करना ही पड़ेगा. वो जो बफर जोन हमको, वो जो बफर जोन हमको चाहिए रोहित जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्या मैम बांग्लादेश ही बनाने देगा या दूसरे कंट्रीज ही बनाने देंगे बफर जोन? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बनाने देंगे, पर हमको कुछ करना पड़ेगा, कोई तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को 13 बिलियन है. 13 बिलियन उनसे जो सामान आता है वो 2 बिलियन है. अभी वो ही सामान कहाँ से आएगा? चीन के पास अपने लिए खाना नहीं है, वो बांग्लादेश को कैसे देंगे? Right. अच्छा, म्यांमार, तो म्यांमार में तो आप जानते हो सिविल वॉर है. मतलब म्यांमार भी हमारे प्रॉब्लम है, बांग्लादेश भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, मालदीव्स भी और पाकिस्तान भी, फोर नेबर्स. मालदीव्स थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं, मालदीव्स को हम मैनेज कर सकते हैं, श्रीलंका को भी हम मैनेज करते हैं, जो हमने किया अभी तक काफी किया. मगर बांग्लादेश जहां बॉर्डर्स बिल्कुल खुला है, जहां पोरस है, जहां करोड़ों लोग आ सकते हैं, वो तो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. राइट राइट, बिल्कुल सही बात मैम. डन मैम, वेरी वेरी नाइस डिस्कशन मैम, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. हम लोग उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश विल बी अ ट्रबल फॉर इंडिया फॉर सम टाइम टू कम. अगले कुछ टाइम तक बांग्लादेश एक प्रॉब्लम बना रहने वाला है, देखते कैसे होता है. बांग्लादेश के साथ जो इंडियंस हैं, जो इंडिया का इंडिया अलायंस है, ममता, राहुल, ये क्या गेम खेलेंगे? Right. इसका हमको, ये चाल हमको अंदर से देखना पड़ेगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैम, देखेंगे, बिल्कुल जल्दी पता लगेगा. अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. नमस्कार.